एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बहुत सारा अंडा और उसके साथ एक छोटा सा चिक्स। बहुत बढ़िया, ग्रेट रिजल्ट। जावा का चिक्स फर्स्ट टाइम इतना छोटा चिक्स को हाथों में दिया, एक अलग सा चमक है। एकदम बिल्कुल हेल्दी एंड स्वस्थ चिक्स है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपंकर, यह है विश्वजीत दा और हम दोनों करते हैं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और इससे पिछले वाला जो वीडियो बनाया था विश्वजीत दा का फार्म का, 25 पेयर जावा एडल्ट पेयर परचेज किया था और जो रिजल्ट देखने को मिला था बहुत बढ़िया। मतलब हर एक मटकी में तीन चार पाँच करके जावा का ब्रीडिंग प्रोग्रेस हम लोगों को देखने को मिला था। हर एक मटकी में तीन चार पाँच ऐसे करके अंडा हम लोग देखे थे। तो आज आए हैं, चलिए अभी जाएंगे अंदर, देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। यहाँ जो देख रहा हूँ इसका मटकी आपने खोल दिया था और निकल गया चार चार चिक्स निकल गया। और यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ का नेस्ट बॉक्स दादा ने खोल दिया, सारे चिक्स बाहर निकल के आ गया है। चार चिक्स यहाँ जावा का देखने को मिल जाए। और दादा यहाँ कुछ है क्या? कुछ अंडा है, पांच अंडा है। पांच अंडा है, ओ ग्रेट, बढ़िया। यहाँ पांच अंडा देखने को मिला और उससे साइड वाला जो केज है वहाँ तो चार चिक्स निकल गया है और काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। यहाँ कुछ है? चिक्स है। ओ चिक्स है, तीन मुझे लग रहा है। जावा का चिक्स मैंने कभी करीब से नहीं देखा है। दादा एक बार बाहर निकलिए, मैं थोड़ा देखना चाहूँगा दादा। नहीं उज्जवल दा, आपने सही बताया कि तीन ही चिक्स है और अभी भी अंडा है। जावा का चिक्स, इतना छोटा चिक्स फर्स्ट टाइम मैं अपना हाथों में ले रहा हूँ। जावा का जो चिक्स होता है साइज में थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। फिंच का लेके देखा हाथों में, लंबाई थोड़ा कम होता है लेकिन जावा का बहुत बड़ा है। वाओ, बहुत बढ़िया। जावा का चिक्स फर्स्ट टाइम इतना छोटा चिक्स को हाथों में दिया और ये बहुत ही मतलब तंदुरुस्त है अभी से। पेट भर भर के इन लोगों का पेरेंट्स खाना भी खिलाया, कॉप बिल्कुल फुला हुआ है और बिल्कुल एकदम फिट चिक्स है। और इसका स्किन पर देखिए एक ग्लेज है, एक अलग सा चमक है। एकदम बिल्कुल हेल्दी एंड स्वस्थ चिक्स है। वाओ, और तो रख दिया है सारे चिक्स को दादा, सावधानी से आप लगा दीजिए मटकी को। और विश्वजीत दा बहुत ही लकी है, 25 पेयर 25 पेयर एडल्ट जावा विश्वजीत दा ने नया सेटअप बनाया और 25 पेयर ही ब्रीडिंग में आ गया। अंदर दो चिक्स है, दो चिक्स है। हाँ, बहुत अच्छा। और सच में विश्वजीत दा बहुत ही लकी है। एक्चुअली विश्वजीत दा इंसान बहुत अच्छा है, एकदम नेकदिल इंसान है और एकदम सीधा सादा है, इसलिए भगवान साथ दे रहा है शायद आपका। नहीं तो इतना अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस फर्स्ट टाइम में। यहाँ भी है? हाँ। ग्रेट। हाँ, इसमें अंडा भी है। वाओ, ग्रेट। तीन चिक्स और दो अंडा। तीन चिक्स और दो अंडा, सच में ये ऊपर वाला की दुआ से विश्वजीत का मतलब सच्चे दिल का इंसान है, इसलिए भगवान भी इनके पास आके खड़ा हो गया। दादा और एक दो दिखा दीजिएगा दादा। और यहाँ और एक मटकी चेक कर रहे हैं और यहाँ एक चीक है ना, एक ही चीक है लेकिन काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये भागने का चांस है दादा। अब रख दीजिए, सब में आ रहा है रिजल्ट। और भाई दी बेरी इससे, ओ अच्छा, यही चिक्स ये बाहर निकल के आया और हाँ ये तो अभी थोड़ा थोड़ा उड़ पा रहा है। फिर से एक मटकी हम लोग चेक करके देख रहे हैं। वाओ, चिक्स भी है, चिक्स भी है, अंडा भी है, तीन अंडा। बहुत अच्छा। टोटल कितना महीना हो रहा है दादा? 6 महीना हो रहा है, 5.5 से 6 महीना हो रहा है आपने स्टार्टिंग किया 25 पेयर को लेके और इतना अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस। और उसी का बीच में मतलब यहाँ ऊपर जो शेड है यहाँ तो जावा रखे है, नीचे भी दो स्टेप में जावा है। यहाँ एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच दस, पाँच पंद्रह, 15 पेयर है। और मिडिल का बीच में जो ये स्टेप है यहाँ सारे फिंचेस का चिक्स, मतलब वहाँ जो फिंचेस का ब्रीडिंग सेटअप है वही सारे चिक्स दादा यहाँ ले आके रखते हैं। और यहाँ भी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ भी एक स्टेप पूरा फिंचेस है और ऊपर, ओ अच्छा, यहाँ तीन बजेस भी आपने रखे हैं दादा। ओ हाँ, ये सब तो स्पेंगल है दादा, बढ़िया, बहुत खूबसूरत। मैं एक चेक करने के लिए कोशिश करता हूँ।
और सेटअप का पिछला साइड कुछ ऐसा है और यहाँ तो व्हाइट पेपर पॉलिथीन दे के रखे है। सनलाइट भी बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है और इसी के लिए ही सारे बर्ड हेल्दी एंड स्वस्थ है। और उज्ज्वला आप कुछ कहना चाहेंगे दादा का? हाँ, का यहाँ जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने को मिला ये सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इधर भी देखिए ये सारा बर्ड्स कितना हेल्दी एंड फिट है। छह बर्ड मतलब दो पेरेंट्स है और चार चिक्स। विश्वजीत दा ये जो केज है यहाँ चार चिक्स निकले है ना, देख के ही पता चलता है। देखो हाँ, वो तो पता ही चल रहा है चार चिक्स डार्क पिंक। हाँ, बाकी सबका एकदम फीका है, मतलब चार चार करके निकल रहे हैं सारे चिक्स। जावा के लिए खाने में विश्वजीत दा जो दे रहे है कांगनी दाना और यहाँ पैडी धान। और विश्वजीत दा हम लोगों को थोड़ा सा बताया कि थोड़ा सावधानी से हम लोगों को करना है क्योंकि भाग भी सकते हैं। तो एक निकल गया था जावा का चिक्स, अभी अभी भागने वाला था, पकड़ लिया विश्वजीत दा ने। मैंने कोशिश किया लेकिन उस साइड से गया और विश्वजीत दा ने पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर चिक्स है, अभी तो बहुत सारा है इसका अंदर। चलो मटकी का अंदर जाओ। अभी और एक निकल गया। वो अच्छा वहाँ दो है ना। अरे दादा और मटकी का करीब लाओ तो एकदम, और एक कोशिश में है भागने का। दादा रुको, तीन चार, नहीं दादा अभी भी और एक है देखिए दादा। तो दादा यहाँ टोटल कितना हुआ, मटकी के अंदर एक चीक है और बाहर कितना निकला, एक दो तीन चार, टोटल पाँच। विश्वजीत दा पांच चीक है सच में, चार पांच करके चीक निकल रहा है। भगवान आपका साथ दे रहा है दादा। और चेक नहीं करेंगे, हर एक मटकी में है दादा। हर एक मटकी में है विश्वजीत दा। अभी थोड़ा जाएंगे आपका फिंचेस का जो सेटअप है वहाँ थोड़ा सा जाएंगे और एक बार चेक करके देख लेंगे कि आपका फिंचेस का सेटअप कैसे चल रहा है। तो विश्वजीत दा का जावा का ब्रीडिंग सेटअप में जो देखा, और ये है दीपंकर बारिक, ये सुबह आया मेरे पास और एक साथ हम लोग विजिट करने के लिए आए हैं। विश्वजीत दा आपका जावा का जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रहा है वो ज्यादा अच्छा हो रहा है या फिंचेस का, या दोनों सेम? फिंचेस तो बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब वो जो जावा आया अभी जो ब्रीड कर रहा है यहाँ से ही जो पैसा अर्न किया फिंचेस का अर्निंग का ऊपर ही आपने वो सेटअप बनाया। और यहाँ जो पेयर है ये तो अभी नेस्टिंग में लगे हुए है, बहुत अच्छा देखिए एक एक करके। दादा आपने नेस्टिंग के लिए क्या डाला है अंदर, घास? घास क्या आप नीचे ही ऐसे डाल देते हैं? नीचे डाल दिया। और वो देखिए वो फिंचेस सूखा हुआ घास को ऊपर लेके जा रहा है और नेस्टिंग का काम में अभी बिजी है। और वाओ यहाँ जो पेयर यहाँ बैठा है व्हाइट फिंच, और इसको देखने के बाद आंखें हटा नहीं पा रहा हूँ, इतना अच्छा कलर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत, आंखें हटा नहीं पा रहा हूँ, इतना अच्छा कलर है। वीडियो में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लाइट का ऑपोजिट साइड है इसलिए उतना ज़्यादा अच्छा शायद नहीं आ रहा है, फिर भी इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ भी एक पेयर व्हाइट का शायद अंडा ले किया है। और दादा विश्वजीत दा इसको एक बार चेक करके मैं देखना पसंद करूँगा, दादा एक बार दिखाइए प्लीज़। बहुत अच्छा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस अंडा और एक चिक, बहुत सारा अंडा और उसके साथ एक छोटा सा चिक, बहुत बढ़िया ग्रेट रिजल्ट। जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मास्टर है फिंच का मिलेगा, और सच में और ऐसे ब्रीडिंग तो देखना इतना आसानी से नहीं मिलता है। हाँ यहाँ शायद एक बच्चा है और वो चिक को आपने बाहर नहीं निकाला और फिर से वो फीमेल अंडा ले किया। और यहाँ तो बहुत सारा व्हाइट, दादा व्हाइट पहले से तो बहुत ज़्यादा है आपके पास। हाँ। चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, 169 पेयर और सब में ब्रीडिंग चल रहा है, और सारे बार्ड देखिए मटकी के अंदर ही बैठा हुआ है। यहाँ भी और यहाँ भी नेस्टिंग चल रहा है, और यहाँ तो बहुत सारा चिक्स है। मटकी आपने अभी अभी खोला है? हाँ। एक दो दिन पहले शायद। वाओ ग्रेट। और यहाँ यहाँ तो सबसे ज़्यादा व्हाइट हमको दिख रहा है, ये तो पूरा व्हाइट का सेटअप है शायद। दादा आपका फार्म में तो बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस, कहाँ देखूँ वहाँ जावा का भी बहुत अच्छा चल रहा है, फिंचेस का भी बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान आपका साथ है। तो दादा सारे व्यूअर्स के लिए, ऐसे ही तो सर्दी का मौसम आ रहा है, सारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ टिप्स शेयर कीजिए, मतलब कैसे करके आप इतना सारा बर्ड्स का हेल्थ और स्वास्थ्य इतना अच्छे से रखते हैं, अच्छे से केयर ट्रीटमेंट करते हैं, तो सर्दी का मौसम में स्पेशली क्या करना चाहिए? और हमको जहाँ तक जानकारी है कि सर्दी का मौसम में ही जावा और फिंचेस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फिंचेस का ठंड लगने का बहुत सबसे ज्यादा चांस रहता है। तो दादा थोड़ा सा बताइए आप क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो ढक के रखना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं है, कपड़ा है सब में, कपड़ा तो ढक के रखता हूँ। 15 दिन में एक दो दिन मेरी क्वीन लगाता हूँ। मेरी क्वीन? मेरी क्वीन। और कप में जैसे आप पानी देते हैं, एक कप आप निकल के दिखाइए।
अच्छा, ऐसी एक काप में पानी का जो लेवल होगा थोड़ा सा दिखा दीजिए दादा। और तो दादा, इसी क्वांटिटी का पानी के साथ कितना ड्रॉप मेरी क्वीन देना सही रहता है? दो बूंद मेरी क्वीन। ये तो कितना ml है वो तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, फिर भी आप देख लीजिए ऐसे ऐसे काप में वो एकदम नीचे पड़ा हुआ है पानी, ठीक है। और इसमें दो बूंद मेरी क्वीन डालना सही रहता है एक पेयर के लिए। इतना बड़ा काप, पानी इतना नीचे आप इसीलिए देते हैं ताकि फिंचेस को अगर पानी मिल जाएगा तो नहा लेगा और ठंड लग जाएगा, तो इसीलिए आप कम पानी देते हैं। लेकिन पानी इतना कम देने का कारण वो लोग में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, वो यहाँ ऊपर बैठ के यहाँ पी सकता है। अंडा ले करने से पहले कैल्शियम, कैडिसोल डीसी, रिकोवेट दोनों मिला के 3 दिन डालता हूँ। रिकोवेट और कैडिसोल डीसी, हाँ, कैल्शियम और मल्टीविटामिन दोनों को एक साथ मिक्स करके देते हैं, इसलिए क्योंकि बर्ड्स का शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है और मल्टीविटामिन में तो D3 रहता है और कैल्शियम तो कैडिसोल डीसी। लेकिन मात्रा कितना होता है वही काप में उसी पानी के साथ? कितना दो बूंद इसका, एक उसका, एक कैल्शियम का, मल्टीविटामिन का, एक एक बूंद करके हफ्ते में कितना दिन दादा? हफ्ते में 3 दिन। 3 दिन देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इससे पहले भी विश्वजीत दा के साथ बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया, वहाँ ब्रीफली डिस्क्राइब किया है मेडिसिन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर यहाँ आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, जाइएगा चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा शायद। तो दादा थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस हम लोगों के साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। विश्वजीत दा इतना अच्छा इंसान है, इतना साफ दिल का इंसान है, इतना अच्छे से केयर ट्रीटमेंट करते हैं, इसके लिए शायद इतना अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस इनको मिल रहा है। और तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने जो सारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जो यूट्यूब में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। দাঁড়াও দাঁড়াও একটু দাঁড়াও পাশাপাশি।